पे पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं और कार सफारी करवा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम आगे जा रहे हैं सम की ओर। यहाँ पे आते टाइम कर लेंगे सम, पता नहीं क्या सम हो गया उसमें, सब कुछ सम ही गया, अभी सम तो कुछ भी नहीं। और 5,000-10,000 पर कैंडिडेट के 6,000 ऊपर ले रहे हैं, देखते हैं अब जाओ तो हम भी सम ही रहे हैं, अब हम भी सम हो के आते हैं, सम हो के आते हैं। देखो एक बाइक वाला हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था, मैं सोची ये इतना दौड़ के क्यों आ रहा है, अभी बोला घूम के 500 जीप का ये दिख जाएगा, जाएगा। कितना रुपए लगेगा? तो फिर हम पहुंच गए हैं सम के अंदर और यहाँ पे अब हम जाएंगे अगली ट्रिप। क्या क्या भाई साहब यहाँ बता दो, इसमें डेजर्ट सफारी मोबाइल है पूरा घुमाना रहेगा, डेजर्ट सफारी केमल सफारी सब कुछ घूम के आएंगे, 7 पॉइंट है और उसके अलावा हम रात को नाइट वहाँ होटल में रुकेंगे और वहाँ रुकने में खाना भी आई और डांस वांस देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। साफ चढ़ गए किसके तेल काट दो ना तेरा बढ़िया है। सब यहाँ खड़े हम निकल चुके हैं डेजर्ट सफारी के लिए, बहुत ही शानदार व्यू है, बस थोड़ा सा लेट है लेकिन अच्छा है, दिन में गर्मी लगती, अब आराम से सफारी के ऊपर निकल चुके हैं। घूमते रहते हैं, थक गए ये भी कितना घूमेंगे वो।
चारों तरफ मिट्टी के टीले। अभी इवनिंग हो गई तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमें लेट हो गई, हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। देखो गाड़ी आ रही है, थार ही थार, सिर्फ ओनली फॉर थार। जिसकी भी होटल में बुकिंग होती है ना, उनको थार मिलती है स्पेशली, उसी से वो आते हैं, उसी से वो लेके जाते हैं, वो पूरा डेजर्ट एरिया आपको घुमाते हैं। उसके बाद होटल में खाना है, डांस है, और फिर नाइट को अगर रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। साफ बातचीत करें कैमल सफारी वाले से, बहुत ही तगड़ा, ये लो पहली बार है हिम्मत करके भाई, यार डर लग रहा है, लैंड करा दे नहीं करवाना, पैसे दिए इसको। अरे यार ये कैमल तो अपने आप ही चल रहा है, देखिए थोड़ा दर्द रहेगा नीचे डलवा है, कितने खतरनाक धो रहे मिट्टी के, और इनके जरिए कैमल चल रहा है लचक लचक करता हुआ। साहब की हालत देखो आप, कैसी कसीती हो रही है। व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन था और मैं बातें कर रही थी आप लोगों से, और ये देखो मेरी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही यहाँ पे, मैंने इसमें पिन लगा के छोड़ी थी उसकी वजह से वॉइस नहीं आ रही, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अभी हम यहाँ डेजर्ट एरिया से आ गए हैं कैंपिंग एरिया की ओर, जहाँ पे नाइट को प्रोग्राम वगैरह होता है। देखो यहाँ पे रिसेप्शन के ऊपर यहाँ पे स्लिप चेक कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो हमने भी यहाँ से स्लिप ली और फिर अंदर गए प्रोग्राम देखने के लिए। पीछे देखो आप दीवार के ऊपर फ्लेक्स लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है पधारो महारे देश, बहुत ही अच्छा है। देखिए पीछे का व्यू, काफ़ी भीड़ हो रखी है पीछे, देखो कितनी ज़्यादा लाइट लगी है, उसकी वजह से कैमरे पर फ्लैश आ रहा है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे कि हमें अभी एक घंटा हुआ था यहाँ पे, 6 बजे तो पहुँचे ही थे, तो हमने सारे व्यू पॉइंट नहीं देखे, तो इनसे पूछ रहे थे कि हमें सुबह दिखा देंगे क्या, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आप आना चाहो तो कल आ जाना। यहाँ पे क्या गैलरी टाइप में पिलर लगा रखे हैं, इन पे लाइट लगी हुई है। सभी लोग पहुंच गए हैं अपने टाइम के अनुसार यहाँ प्रोग्राम देखने के लिए। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है, चेयर वगैरह डाल रखी है, और सभी यहाँ पे चाय नाश्ता कर रहे हैं।
शांत माहौल है, प्रोग्राम चल रहा है, फिर लगभग 8:30 बजे खाना पीना देंगे, फिर खाना खाएंगे लगभग 9 बजे यहाँ से अपन निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी व्यू कुछ ऐसा है कि हमने नाइट का डांस प्रोग्राम भी देख लिया, खूब इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा और खाना वाना भी हमारा हो चुका है और अभी हम जस्ट निकल रहे हैं आगे होटल के लिए जैसलमेर, क्योंकि वैसे तो यहाँ नाइट बुकिंग भी लोग करते हैं, नाइट को भी स्टे करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही होटल बुक कर दिया था तो हमें वहीं जाना है, हमारा कुछ सामान भी पड़ा हुआ होटल के ऊपर, तो अब यहाँ से निकलते हैं। इवनिंग में थोड़ा लेट आए थे उसकी वजह से हमें थोड़ा कम ही फ़ायदा हुआ, तो हम कल फिर से आएंगे क्योंकि हमारी जो डेजर्ट के अंदर जो राइड थी वो पूरी नहीं हुई है। साहब यहाँ से गाड़ी निकाले हैं, अब चलेंगे, देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, चारों तरफ साउंड ही साउंड की आवाज़ आ रही है, मेरा वेट कर रहे हैं गाड़ी को खड़ा करके, मिलते हैं आपको होटल में जाकर। तो फ्रेंड्स अभी वापस जैसलमेर पहुंच चुके हैं रूम के ऊपर और यहां से थोड़ा सामान जो अपना जो मॉर्निंग में उठिएगा वो ले लेते हैं, तो हालत हो गई ख़राब भाई। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होटल वाले रूम के ऊपर, अब जाके अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने स्थाई पते पे आ गए हैं, यहाँ पे आराम से रेस्ट करेंगे। एकदम से हालत ख़राब हो गई आज, एकदम से इतनी मिट्टी मिट्टी उड़ी है ना थार में बैठने के बाद, उसने मिट्टी में अच्छे से नहाया हमें, पीछे मिट्टी रागे हम तो सुबह ही मैंने सर धोया था, ऐसे हो गया मिट्टी से चिकचिकार सा। साहब हमारे आते ही यहाँ पे रेस्ट में लगे हुए हैं, तो साहब बताइए कैसे रही आपकी डेजर्ट की जर्नी? देखो अगर आप लोग फिलहाल आना चाहो तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि इस टाइम इतनी लुटखोस है, पूछो ही मत। या फिर मैं ये कहूँगा कि अगर आप आ रहे हो तो जितनी आप बार्गेनिंग कर सकते हो उतनी बार्गेनिंग वहाँ करो, वहाँ कोई फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि हमने भी जैसे कॉल वॉल किए किसी को या जानकारी लेने की कोशिश की तो किसी ने बोला 5,000 ले रहे हैं, किसी ने कहा पर पर्सन 10 भी ले रहे हैं, 25 भी ले रहे हैं, 30 भी ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या रेट, तो हम भी उससे इतने पैसे लेंगे तो फिर तो अपना तो वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर आज हम वहाँ गए और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये थी कि हम वहाँ 6 बजे पहुँचे, हमें जाना चाहिए लगभग 3 या 4 बजे, तो आपको भी विशेष ये ध्यान रखना कि आप वहाँ जाओ तो 3 या 4 बजे जाओ और जितनी बार्गेनिंग कर सकते उतनी बार्गेनिंग करो। उनको अपने हिसाब से बोलते हैं आप कम से कम बजट में आने की कोशिश करो, मतलब हाफ में आओ डायरेक्ट, आप पर पर्सन की 5,000 बोलते तो आप 2,000 ही बोलोगे, 2,000 रुपये देंगे तो शायद वो एग्री हो जाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है, संदेह नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो या तो आप आओ मत इस टाइम, क्योंकि अभी न्यू ईयर आ रहा है, इस चक्कर में भीड़ भी कुछ ज्यादा ही है और सब लोग केवल यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं, पर्सनली एंजॉय करने के लिए फ्रेंड्स के साथ सर्कल के रूप में आते हैं, तो हाँ, बस तो आप आओ कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बजट अच्छा खासा तो आप आओ घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सब यहाँ जो कैंप जो लगे हुए सब खराब नहीं है, मतलब व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूँ तो वाक्य में बहुत कमजोर व्यवस्था है, खाने की बात करते हैं तो वो भी कमज़ोर है, प्रोग्राम की वो करते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है तो उसकी व्यवस्था भी कमज़ोरी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुछ अच्छे भी हैं वहाँ पर गेम, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें वाक्य में व्यवस्था एकदम डल है, कुछ ऐसे हैं जिनमें फैसिलिटी देते हैं तो वो इतने ज़्यादा महंगे कि आपका बजट अच्छा होना चाहिए, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप वहाँ आराम से इंजॉय कर सकते हैं, सिर्फ पैसे हैं तो एंजॉय कीजिए। क्योंकि अब हम सम गाँव का जो वीडियो है वो और नहीं बनाने वाले हैं, कल हम तनोट माता निकलेंगे और जो बॉर्डर है वहाँ जाएंगे, तो ये जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आपको मतलब सम के अंदर आपको जाना है जहाँ ये प्रोग्राम होता है, फेस्टिवल होता है, मेरे को पता है मैन आप सब लोग इसीलिए आते हैं, तो आपको सम गांव पहुँचना है दोपहर के अंदर 2 बजे, अगर आप 2 बजे वहाँ पहुँच रहे हो तो फिर आपके लिए शायद ठीक रहेगा, 2 बजे पहुँच कर आप अपना जो भी कैंपिंग आपको चाहिए, जैसा भी कैंपिंग है वहाँ पर सुविधा कैसी है वो सारी बार्गेनिंग के पैसे वैसे की वो सारा काम आप करके, मतलब 3 बजे तक आपका काम हो जाएगा, 4 तक हो जाएगा, फिर 2 घंटे आपको मिल जाएंगे,
दो घंटे आप जाओ वहाँ टिल्लो के अंदर, डेजर्ट के, हाँ, के अंदर जाओ, दो घंटे एंजॉय करो, तीन घंटे एंजॉय करो, 7 बजे फिर वहाँ जाओ, 7:30 बजे तक लगभग वहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होता है, 2 घंटे का मैक्सिमम 1 घंटा ही मानो आप, 8:30-8:30 बजे तक होता है वो प्रोग्राम, बस वो प्रोग्राम में एंजॉय करो, फिर वहाँ से आप वापस निकल जाओ या जैसलमेर आ जाओ, या फिर वहाँ अगर बुक करवा रहे, रहने के लिए बुक करवा रहे हो तो आप वहाँ रह सकते हो। तो लेट गए थे, इवनिंग हो गई थी हमें, क्योंकि हम कुलधरा में रुक गए, वहाँ हमें टाइम लग गया वीडियोज वगैरह बनाए, फिर हम पहुंचे तो हमें 5:30 तो ऐसे ही बज गए थे, 1 घंटा मिला क्योंकि फिर सनसेट हो जाता है तो उसके बाद में कुछ भी अच्छा व्यू नहीं आता, सनसेट वाला व्यू पॉइंट भी हम नहीं देख पाए, वो सब या तो मॉर्निंग में देखो या फिर इवनिंग में देखो, दो ही टाइम आप देख सकते हैं, तो वो सब भी हमारा रह गया। उसके बाद हमने क्या किया, नाइट में वहाँ पे प्रोग्राम देखा, खाना खाया, वापस आ गए। फ्रेंड्स नाइट के बज चुके हैं 11, अब मुझे लग रहा है कि हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह निकले थे तो इतनी भाग दौड़ रही, एकदम से थकान हो गई है, अगर अब नहीं सोए तो कल की जर्नी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो अभी हम सोएंगे, तो इस व्लॉग का एंड तो यहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।